जरूरी तो नहीं है बट लिख देना चाहिए, अच्छा लगता है। चलो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये डाइपोल का क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो कि डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। आप सबको पता है कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस, अब ये आपको ध्यान रखना कि शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन एट 60 डिग्री विद द डाइपोल की एक्सिस से। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो तो फिर आपको मैं बेहतर तरीके से समझाता हूँ। छोटा डाइपोल बनाना है, शॉर्ट डाइपोल बनाना है, इतना नहीं छोटा कि ये दिखाई ही ना दे मेरे भाई। तो ये डाइपोल है, उसकी डाइपोल मोमेंट P आपको ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, 16×10⁻¹⁹ cm बोले तो कूलम्ब मीटर, चीफ मिनिस्टर ने। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ निकालना, 0.6 मीटर पे, इस ओरिएंटेशन पे 60 डिग्री एक्सिस से। तो ये जो लाइन होती है वो डाइपोल की एक्सिस होती है। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये डाइपोल का सेंटर है, डाइपोल के सेंटर से 60 डिग्री पर मैं चला गया, यहाँ पर पॉइंट पी सिचुएटेड है और ये 0.6 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। इस पॉइंट पर मुझे निकालना, अगर मैं इसको आर मानता हूँ और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस मैं ए लेता हूँ, तो आप एक जनरल फार्मूला पढ़ के आए होंगे कि पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल एट एनी पॉइंट, एक्सियल पर भी निकाले होंगे पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पर तो पोटेंशियल जीरो आता है, और एक्सियल पर भी निकाले, किसी भी पॉइंट पर आप निकाले होंगे, उसका फार्मूला आप याद करो कि याद करो। अगर नहीं याद कर पाओगे तो फिर इसको तुम्हारे लिए करना क्या मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जो होता है वो होता है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी थीटा डिग्री पर ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है। अब हमारा डाइपोल शॉर्ट है, तो शॉर्ट डाइपोल के केस में, शॉर्ट डाइपोल मतलब डाइपोल जो है इस डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा है, मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो स्मॉल ए अगर छोटा है तो ये वाला फैक्टर मैं इग्नोर कर दूंगा, तो जो पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल आ जाएगा वो आ जाएगा केपी कॉस थीटा अपन आर का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला गिवन सिचुएशन के लिए लगेगा, जो सिचुएशन क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अब कुछ नहीं करना यार, बहुत आसान हो गया, सारी वैल्यू रखना है और कैलकुलेट करना है। के की वैल्यू हम सबको पता है 9×10⁹ बराबर है, और पी डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 16×10⁻¹⁹ और कॉस 60 साइन 31/2, तो कॉस 60 फाइनली डिवाइड कर दूं आर 0.6 का स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। तो फाइनली मुझे इसको कैलकुलेट करने ना ही आ जाएगा 200 वोल्ट, काट कूट लेना इसको। तो फाइनली जो मुझे सलूशन मिलेगा, ये 2020 का क्वेश्चन था, ए ऑप्शन सही है।